हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड। सो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट आर अपकमिंग वरना 2023। सो उसके बारे में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो उसके बारे में हम पूरी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको लोगो दिख रहा है ह्यूंडई का, तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे किया सेल्टोस अपना लोगो अपने बोनट पर दिखाती है, तो ह्यूंडई वालों ने भी इस बार ऐसा ही कुछ दिया। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको इसमें मेजरली दिख रही है वो इसकी DRL है। तो पहले इसकी DRL स्प्लिटेड आती थी, अब देखो पूरी कंबाइंड एक सिंगल लाइन DRL आ रही है। तो ये सबसे नया चेंज है अपने वरना 2023 में। उसके बाद आप देख सकते हो इसकी ग्रिल भी चेंज हो चुकी है, पहले कैसी ग्रिल आती थी और आप देखो कितना कूल लग रहा है वाली ग्रिल। उसके बाद आप इसके हेडलाइट चेक करो, हेडलाइट पहले अपना प्रोटेक्टर हेडलाइट आती थी, इस बार 3 स्प्लिट में हेडलाइट इसकी आ रही है जस्ट लाइक आवर क्रेटा। और इसके अलॉय व्हील भी अगर आपको दिख रहे हो तो आप अलॉय व्हील भी देखो एक बार, ये डायमंड कलर अलॉय व्हील है मेरे, आपने इसका साइड प्रोफाइल भी देखेगा। सो गाइज, ऐसा कुछ साइड प्रोफाइल है अपनी न्यू ह्यूंडई वरना 2023 का। देखो कितनी ज़्यादा प्लीजेंट लग रही है, बट देखो इस साइड एंगल से यार, मतलब बिल्कुल ही बिल्कुल जहर। इसके अलॉय जो आई मीन जो इसका टायर साइज़ है वो इस बार 17 इंच का है, और अलॉय मैंने आपको बता दिया डायमंड कट का है। और जो सबसे मेन चीज़ है वो है इसका इसका जो टेल लाइट है, तो टेल लाइट आपको दिख रही होगी, ये पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो DRL है वो भी पूरी इस बार कंबाइंड है, तो जस्ट लाइक आर न्यू वेन्यू, उसकी अगर वेन्यू की अगर आपने टेल लाइट देखी हो तो पूरी कंबाइंड है एकदम। सो वैसा ही इसकी DRL और वैसा ही इसकी टेल लाइट है, तो एक बहुत बड़ा चेंजेस है इसके अंदर। जैसा कि डोर रिक्वेस्ट डोर सेंसर जो है वो भी पहले की तरह ड्राइवर साइड पर ही है, बाकी किसी और डोर्स पर नहीं है। ORVMs अपने फोल्डेबल हैं, लेकिन इस बार कैमरा भी इनबिल्ट दिया है, तो आपको साइड मिरर के साथ आपको कैमरा भी मिलने वाला है। थोड़ी सी स्पेस बढ़ा दी है वरना के अंदर सिटिंग कंफर्ट बढ़ाने के लिए बैक साइड पे, तो ये एक सबसे बड़ा चेंज है। सनरूफ की अगर बात करूँ तो सनरूफ बिल्कुल पहले जैसे आने वाला, जैसे पहले वरना में आता था, इस बार पैनोरामिक कोई सनरूफ नहीं मिल रहा है। और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी 10 इंच वाला है, जैसा पहले आता था वही मिलने वाला। हाँ, इस बार जो स्पीडोमीटर है उसमें डिज़ाइन थोड़ा चेंजेस होगा, वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक वाला होने वाला है, तो लेट्स सी कैसा कैसी होने वाला है। सो इस बार ह्यूंडई वरना का डीजल वेरिएंट नहीं आएगा, ओनली इसका पेट्रोल वेरिएंट आएगा, वो भी 1.5 MPI एंड 1.5 टर्बो GDI इंजन ही आएगा। तो ये एक सबसे बड़ा चेंज है, जो शायद जो लोग डीजल लवर हैं उनके लिए सैड न्यूज़ कि इस बार डीजल इंजन अवेलेबल नहीं है वरना। सो न्यू वरना में हमें इस बार IVT, DCT और मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने वाला है। सो गाइज, अपनी न्यू वरना कम्पीट करेगी मार्केट में सलाविया को, अपनी फॉक्सवैगन वर्टस को, अपनी ये मारुति सियाज को, और एक होंडा सिटी जिसको आप सब लोग जानते हैं, जो मार्केट में ऑलरेडी धूम मचा चुकी है। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड, 21 मार्च को अपनी वरना 2023 रिलीज़ होने वाली है, तो हम लोग जाएंगे, हमारा कंप्लीट ब्लॉग आने वाला है, उस पर हम पूरा शूट करने वाले हैं, आपको बिल्कुल दिखाएंगे क्या बिल्कुल रियल में कैसा क्या फील आता है वरना के साथ। तब तक आप अपनी ह्यूंडई वरना का जो टीजर रिलीज है आप उसको एंजॉय करो। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब आवर चैनल, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए रोम रोम।